फ्रेंड्स, आज का वीडियो टॉपिक है जब दो या फिर दो से अधिक सब्जेक्ट्स हों और वो एंड से जुड़े हों। याद रहे, वो एंड से जुड़े हों तो फिर वर्ब सिंगुलर होगा या फिर प्लुरल होगा। तो फिर आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो फिर जो वर्ब होता है वो हमेशा अपने प्लुरल फॉर्म में ही होता है। वर्ब जो होता है वो प्लुरल ही होता है, याद रखना चाहिए आपको, ये चीज़ आप ना भूलें। आइए हम कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको वीडियो बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाए, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आइए एक हम वर्ड एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें एंड का प्रयोग किया गया है। टॉम एंड मैरी आर नाउ रेडी, या रेडी नाउ आप बोल सकते हैं। यहाँ टॉम एंड जेरी दो सब्जेक्ट्स हैं, टॉम एंड मैरी, जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्ब जो है वो प्लुरल फॉर्म में होगा। आपने हरी एंड अब्दुल, हरी एंड अब्दुल हैव गोन टू रांची, हैव गोन टू रांची। यहाँ आप देख रहे हैं हैव का प्रयोग किए हैं ना कि हैज का प्रयोग किए हैं, क्योंकि ये एंड से जुड़ के इनका जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल बन चुका है। ऐसे ही आइए एक और देखते हैं, जैसे राइस, वीट एंड पल्स वेयर अवेलेबल देयर। यहाँ पे भी वेयर का प्रयोग किया गया है ना कि वी, क्योंकि ये अलग अलग राइस, वीट, ये अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं, तथा पल्स ये अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लुरल में यूज होगा। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको याद रखना चाहिए ये जो नियम है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हों तो वर्ब जो होता है वो अपने प्लुरल फॉर्म में होता है, ना कि सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। एस या आई एस नहीं लगता है वर्ब के अंत में।